थोड़ा सा खेद है कि पूरे सात संभागों में बीकानेर संभाग में हम थोड़ा सा कमजोर हैं संगठन की दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि मेरे ही प्रयासों में कुछ कमी रही होगी, तो प्रयासों को और थोड़ा सा तेजी से हम आगे ले जाएंगे। लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और न हमारी बात हम आगे तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से पुनः आग्रह रहेगा, यहाँ जो उपस्थित साथी हैं वो खुद एक एक व्यक्ति अपने दायित्व को समझे, वो सभी सदस्य जाएं अपने अपने क्षेत्र में, पत्रकारों को संगठित करें, एक मंच पर लाएं, क्योंकि आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, आपका स्वर एकजुट नहीं होगा, तब तक आपकी बातें उन बंद दरवाजों के पीछे तक नहीं पहुंचेगी। आपकी बातें आप तक हम तक वहीं सीमित होकर रह जाएगी। इसलिए हर सदस्य संगठन के हर सदस्य का दायित्व बनता है कि वो संगठन के महत्व को समझाए, अपने साथियों तक पहुंचाए इस बात को। सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, आज सोशल मीडिया पे भी आप लोग सक्रिय हैं, लेकिन आप अपना अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ में आपको अपना संगठित रूप भी बताना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपका अधिकार, आपका सम्मान, आपकी मांगे आप तक पहुंचे, आपको मिले। और इतनी बड़ी कोई आपकी मांगे नहीं है कि जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती है।